वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब तक अभी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी, सीबीएसई अपना सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर चुकी है लगभग 30%। ठीक है, जबकि आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर तो नहीं था, बट इस ईयर वापस से इसको इंक्लूड किया गया है, बट इसमें से कुछ टॉपिक रिमूव किए गए हैं। और वो टॉपिक आपके लास्ट में आते थे, सेमीकंडक्टर टाइप, पी टाइप, एन टाइप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो था वो पोर्शन डिलीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम अपना एक चैप्टर शुरू करेंगे अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो है सॉलिड स्टेट। देखा जाए तो ये आपके यूनिट नंबर 1 है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती क्या है, आपकी केमिस्ट्री 3 ब्रांचेस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, कंसर्न है एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स एंड थियरी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के रिगार्डिंग जो उसकी एप्लीकेशन और जो उसकी टेक्निक्स है उस पर बेस्ड है, जो किसके साथ स्टडी करती है, केमिकल सिस्टम के साथ। ठीक है, इट मीन्स इन टाइप की केमिस्ट्री में, इस टाइप की केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा टच किसका मिलेगा, आपको अपनी फिजिक्स का मिलेगा। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आएंगे। ठीक है, तो हम अपना फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो भाई, स्टेट सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, आपको पता है ब्रॉड क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 क्लास में क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो 5 है, साथ में प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी, बट मैंने आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन बोला है। वैसे तो आपकी 4 है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और 5th इज प्लाज्मा। ठीक है, ये तो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, ये दोनों आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो, तो बच्चा क्या आपका सॉलिड स्टेट जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट के बारे में आप कुछ नॉर्मल चीजें तो पता ही आपको कि सॉलिड स्टेट की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट क्या होता है आपका वॉल्यूम होता है, और क्या प्रॉपर्टीज है जो आपने अपने बचपन की क्लासेस में पढ़ी है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसके अंदर मैं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये क्या है, साथ में इसमें डेफिनेट साइज भी कर देना, डेफिनेट साइज, शेप एंड वॉल्यूम। क्या सॉलिड स्टेट कंप्रेसिबल है? क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप बोल सकते हो जो सॉलिड स्टेट है वो क्या है, मैं इन सब की प्रॉपर्टीज आपको अभी नहीं बता रही, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमारा फोकस रहेगा सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो हो गया डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, सेकंड क्या हो गया, इनकंप्रेसिबिलिटी, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ सॉरी थर्ड आपका क्या है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा आपको, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। ठीक है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होता है, फिक्स पोजिशन पे ऑक्यूपाई रहता है, मीन्स जो जिनसे मिलके बना है वो फिक्स्ड है और क्लोजली पैक्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड पोजिशन उनकी फिक्स है। अगर आप उनको हीट या कोई एनर्जी सप्लाई करते हो तो वो जस्ट अपनी पोजिशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जो भी सॉलिड स्टेट है उनके मूवमेंट जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते। भाई आपने सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में बिना गैप के साथ वो सॉलिड, थोड़ा सा दूर आ गए तो कौन से स्टेट, लिक्विड, और थोड़ा और दूर आ गए तो गैस। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी पोजिशन क्या है, फिक्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। अब
अब ये जो बातें मैंने बताई, अरे मूव नहीं कर सकते, दे ओनली वाइब्रेट अपने फिक्स पोजिशन पे, फिक्स पोजिशन पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन जाएगा। ये थी इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए, लेकिन अब आप देखोगे कि सॉलिड ही कितने टाइप के होते हैं, कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, तो हमारा पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड रहेगा। पहले आप इसको कॉपी करो। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर क्लासिफिकेशन की बात करो तो हम दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमरफस सॉलिड। देखो भाई देखने में क्या है, दोनों मजबूत है, ठोस है, शेप चेंज नहीं कर सकते, पर जनरल प्रॉपर्टीज दोनों की वही है, ठीक है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा, तो अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, भाई किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका कोई भी एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम मोलिक्यूल और आयन, इनमें से इनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो कोई भी सॉलिड चाहे एटम से बना हो या मॉलिक्यूल से या आयन से, उनमें इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसमें क्या होगा आपका, इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर मतलब ऐसे रैंडम अरेंजमेंट, इरेगुलर बोलो या रैंडम, इरेगुलर और रैंडम, कोई भी कहीं भी आ जाएगा, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लिख लेना पूरा पार्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास दो एटम थे, ए एंड बी से मिलके कोई सॉलिड बना था, ठीक है, तो सपोज करो उस सॉलिड में एक बार ए आ रहा था, एक बार बी, एक बार ए, एक बार बी, फिर ए, फिर बी, तो देखो जो भी रहा ए एंड बी उनका अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, एक डेफिनेट पैटर्न के साथ वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वहीं पे मैं इरेगुलर अरेंजमेंट की बात करूं, इसी को लेके सपोज करो कोई सॉलिड, भाई सॉलिड तो टच कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई ये सॉलिड आया बट उनका क्या रहा, रैंडम अरेंजमेंट रहा, इरेगुलर, रेगुलर नहीं है। फॉर एग्जांपल दो ए आ गए, फिर आपका एक बी आ गया, फिर तीन बार ए आ गया, फिर एक बार बी आ गया, मीन्स कोई पैटर्न ही नहीं है कि ए और बी एटम अरेंज हो सके, इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, अमरफस सॉलिड। अब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो देखो सॉलिड स्टेट में आप ये तो बोल चुके हो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड स्टेट की, ठीक है, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट इसका क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये होता है मेल्ट विद इन ए रेंज, ये क्या होता है, मेल्ट विद इन ए रेंज, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई सॉलिड ए है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मैं चेक करने लगी तो मुझे पता लगा सपोज करो 150 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो गया, एकदम मेल्ट हो गया, 149 तक भी वो मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 150 आया वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, शार्प टू द पॉइंट, फिक्स है। और मेल्ट विद इन रेंज का मतलब है क्या, आप हीट करने लगे, आपको थोड़ा थोड़ा लिक्विड नजर आया लेकिन वो कंप्लीट लिक्विड नहीं हुआ, सपोज करो ये मेल्ट हुआ 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में, आप ना 141 को बोल सकते 141 को मेल्टिंग पॉइंट, ना 142 को, ना 143 को, आप क्या बोलोगे, उसकी एक रेंज है, वो इस टेम्परेचर रेंज में कभी भी मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखना चाहो तो आयरन का कितना होता है 1327 डिग्री सेल्सियस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसे ही आपका NaCl ले लो,
डायमंड ले लो, इन सबका क्या फेज मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर आप ग्लास लोगे, शीशा ग्लास, वो क्या करता है मेल्ट विद इन ए रेंज करता है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये क्या है, ट्रू सॉलिड है, एक्चुअल में सॉलिड है। और ये क्या है, ये ट्रू सॉलिड नहीं है, सूडो सॉलिड है, सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब दिखावा करते हैं दिखने का, बट इनमें क्या है मतलब पूरी सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इनमें लिक्विड की प्रॉपर्टी है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। भाई जैसे आप ग्लास शीशा लो, जब बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, इवन आप अपनी स्कूल बिल्डिंग भी चेक कर सकते हो, उनमें जो शीशा लगा हुआ होता है, ग्लास लगा होता है, विंडो ग्लास, आप देखोगे कुछ ईयर्स बाद वो ऊपर से थिन और नीचे से थिक मोटा हो जाता है। ठीक है, अब मोटा हो गया तो उनमें क्या होगी, टेंडेंसी टू फ्लो हो गया। जो सूडो सॉलिड है इसका अनदर नेम और है सुपर कूल लिक्विड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, अब देखो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण मैं इसको रब कर रही हूं, ठीक है, यहां पे या आपके ट्रू सॉलिड से या आपके सुपर सूडो सॉलिड से, जिनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, मीन्स जिनकी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण, देखो इसी का रीजन बता रही हूं, यहां से क्वेश्चन आता है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी जो आपकी ग्लास विंडोज है वो ओल्ड बिल्डिंग्स की, ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग विंडोज आर थिन फ्रॉम टॉप, थिन फ्रॉम टॉप एंड थिकर, मोटा होता है, थिकर एट बॉटम, थिकर एट बॉटम। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, ठीक है, कि वाई ओल्ड बिल्डिंग, जो ओल्ड बिल्डिंग के जो शीशे होते हैं वो थिकर क्यों होते, तो आप बोलोगे बिकॉज जो ग्लास है वो एग्जाम्पल है किसका, अमॉर्फस सॉलिड का, एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स विच आर टेंडेंसी टू फ्लो। आई होप ये तीन पॉइंट आपको समझ आए होंगे। पहला पॉइंट हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे देखा था, जिनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट वो क्रिस्टलाइन, और जिसमें इरेगुलर या रैंडम अरेंजमेंट वो अमॉर्फस। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, हाई तो है ही दोनों का, बट इसका शार्प है और ये मेल्ट करता है विद इन अ रेंज। ये आपका ट्रू सॉलिड है, ये आपका सूडो सॉलिड है, फाल्स सॉलिड है, दिखता सॉलिड की तरह है बट इसके पास क्या है, टेंडेंसी है फ्लो होने की। तो ये तीन पॉइंट्स थे, अभी इनको कॉपी करो, फिर हम अपना फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट है आपका नेचर, जो आपके क्रिस्टलाइन नेचर है वो क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जो आपके अमॉर्फस है आइसोट्रॉपिक नेचर। तो पहले तो आप ये समझो आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं और एनिसोट्रॉपिक क्या होते हैं। आइसोट्रॉपिक समझो, आइसोट्रॉपिक एस का मतलब है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में क्या हो सेम, वो आइसोट्रॉपिक नेचर शो करेंगे। और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपिक। अब वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन आता है वो कौन कौन सी हो सकती है, वो आपका म्यू हो सकता है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है, म्यू मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी।
क्रिस्टलाइन है। अब दिखने में तो लगता था कि भाई क्रिस्टलाइन को आइसोट्रॉपिक होना चाहिए और एनिसोट्रॉपिक अमरफस को, बट अब जो मैं समझाऊंगी उससे क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की हर एक डायरेक्शन में, मींस एक्स वाई जेड में सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होगी। देखो भाई, ये सॉलिड है, इनमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट था, ठीक है, इसलिए मैं ये ऊपर वाला पोर्शन रब कर दिया, ठीक है। देखो, सपोज करो ये ऐसा है, मैंने एक शेड कर दिया, फिर एक प्लेन है, फिर एक शेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में एक प्लेन एक शेड मैंने ऐसे ही किया, एक प्लेन एक शेड, एक प्लेन फिर प्लेन फिर शेड, प्लेन फिर शेड, ठीक है। सपोज करो ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई डायरेक्शन है, और ऐसे जाओगे जेड डायरेक्शन। देखो, जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हो, क्या इसके दोनों तरफ, या फिर देखो ऐसे, देखो इस डायरेक्शन ये मैंने ड्रॉ किया है, मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूं, क्या इस लाइन के दोनों तरफ सेम नेचर है? इस लाइन के अगर आप चेक करोगे भाई, आप एक्स में तो बोल सकते हो कि एक प्लेन एक सॉलिड, एक प्लेन एक सॉलिड, वाई में बोल सकते हो एक प्लेन, लेकिन जब मैं ऐसे ट्रेवल करूं तो मेरे को इस लाइन के इस तरफ सारे शेडेड मिल रहे। देखो, इस लाइन को टच करने वाला ये शेड और ये शेड, ये प्लेन प्लेन प्लेन, मीन जब ऐसे जा रही हूं तो दोनों का जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आप बोल सकते हो बोथ डायरेक्शन, जो भी आप ऐसे दो, ऐसे ये वाली डायरेक्शन कंसिडर करो और ये डायरेक्शन, जब इस डायरेक्शन में लाइन के इस तरफ सारे शेडेड वाले और इधर अनशेडेड वाले थे, तो इधर भी ऐसा ही होना चाहिए था, बट ऐसा यहां नहीं हुआ, इसी वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और वहीं मैं एनिसोट्रॉपिक की बात करूं तो आपको पता है इरेगुलर अरेंजमेंट है, कोई भी चीज कहीं भी आ सकती है, एटम मॉलिक्यूल आए, सपोज करो एक सॉलिड फिर दो ऐसे, फिर एक सॉलिड फिर एक यहां डैश, फिर एक ऐसा, फिर शेड शेड, ये है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको क्या दिखेगा, अरेंजमेंट अलग ही दिखेगा, मीन्स ये जो है देखो इस इधर गए तो कोई ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है, प्लेन आएगा एक के बाद या कैसा आएगा, ठीक है, इधर एक प्लेन आ रहा है फिर शेडेड आ रहा है, प्लेन शेडेड इधर फिर तीन शेडेड आ रहे, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो अलग था। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर देती है, सभी डायरेक्शन का एवरेज कर देती है, और एवरेज देके आपको एक कॉन्स्टेंट एक फिक्स वैल्यू सेम वैल्यू दे देती है सभी डायरेक्शन की, बट यहाँ ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए ये क्या है एनिसोट्रॉपिक है और ये आइसोट्रॉपिक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक, और डायमंड सॉरी क्रिस्टलाइन और इनमें से कौन सी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो जिनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन वो आइसोट्रॉपिक, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है सभी डायरेक्शन में वो क्या होंगे एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये पॉइंट नंबर आपका 4 था, ठीक है, अब मैं पॉइंट नंबर 5 डिस्कस कर रही हूं, वो आपका है कि ये क्या देता है क्लीवेज, मींस कट करने का बता रही हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड देता है आपको क्लीन क्लीवेज, ठीक है, और वो कैसा देता है आपको रफ क्लीवेज बोल सकते हो या इरेगुलर क्लीवेज बोल सकते हो, इरेगुलर क्लीवेज, मीन शार्प कट देता है, जैसे आप एग्जांपल शार्प कट से समझ सकते हो, जैसे बटर आपका पनीर है उसमें अगर आप नाइफ से कट करो तो प्रॉपर शेप आएगी कॉर्नर के साथ, भाई मेरे पास ये कोई सॉलिड था, ठीक है, मेरे को इतना हिस्सा कट करना था, मैंने कट किया, मेरे को बिल्कुल परफेक्ट इतना मैंने निकाल दिया, तो ये क्लीन क्लीवेज देता है। अमरफस सॉलिड है, सपोज करो ये मैं इसको कट करना चाहती हूँ, तो मेरे को ये क्या मिला, ऐसे मिला, मैं करना चाहती तो इसके जैसा थी, बट मेरे को क्या मिला, रफ कट मिला, ठीक है, तो ये किसका, ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, अमरफस सॉलिड। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस की, मतलब डिफ्रेंशिएट किया दोनों के बीच में, और ये एग्जाम में बहुत बार आता है, इवन 2 मार्क्स में बार बार पूछ लिया जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड,
और इवन इनकी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ जाता है, वो डिफरेंस नहीं पूछता है, तो बिल्डिंग वाला एग्जांपल जो मैंने बताया या आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक का आपको बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट की उनको आप नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स हम अपनी एट टाइप की क्लासिफिकेशन खत्म कर चुके हैं, जो अभी इसे जो मैंने रब किया, जो हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन और अमरफस, वो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने 5-6 पॉइंट डिस्कस करे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखा था क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट, अमरफस में इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई, बट ये कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है मेल्ट विद इन ए रेंज। इतनी बात समझ में, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये सूडो सॉलिड होते हैं, मींस दिखते तो है बट बिहेव नहीं करते सॉलिड की तरह, इनमें क्या होती है टेंडेंसी टू फ्लो होती है। ठीक है, और फिर ये क्या होता है एनिसोट्रॉपिक, मींस इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, और अमरफस की क्या थी, सभी डायरेक्शन में सेम थी। और आपका लास्ट था ये क्लीन क्लीवेज देता है और ये रफ क्लीवेज देता है, मतलब इरेगुलर क्लीवेज। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बेस पे है ये, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उसके बिहाफ पे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, तो चार क्लासिफिकेशन है। पहला आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है, फिर आता है आपका आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ वन इज कोवेलेंट सॉलिड। तो इन चार क्लासिफिकेशन है, वन बाय वन हम इन्हीं क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, हमारा फर्स्ट टाइप को सॉलिड है मोलिकुलर सॉलिड। ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मोलिकुलर सॉलिड किससे मिलके बने होंगे, मोलिक्यूल से, मीन्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका क्या होगा, मोलिक्यूल। तो हम किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, मोलिक्यूल्स के बीच में। अब जो मोलिक्यूल्स का नेचर है उसके हिसाब से इसको तीन उस कैटेगरी में डिवाइड किया, पोलर, आप इसको ये भी बोल सकते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब फिर से नाम सजेस्ट कर रहा है कि मोलिक्यूल तो होगा, लेकिन मोलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पोलर, मींस उसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डाइपोल, डाइपोल कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपका, डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, डाइपोल डाइपोल, सपोज करो ए और बी है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, ए जो जिस भी सॉलिड से बना है वो उसके कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे ही और बी होगा आपका, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई डाइपोल क्रिएट हुआ, अब फिर जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोल लेंगे, पोलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। एग्जाम्पल में आप SO2 ले सकते हो, HCl ले सकते हो, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, पोलर, सॉरी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। HCl क्या है, देखो पोलर मॉलिक्यूल है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कौन सा है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है नॉन पोलर सॉलिड। अब नॉन पोलर सॉलिड्स कैसे होंगे, जिनके बीच में आपको पता है डाइपोल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल I2 भाई आयोडीन है, ठीक है, इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, I2 में अपने क्लास 11th में पढ़ा था लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में कौन सा होता है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
आई टू, अभी दो आई टू मॉलिक्यूल है, पोलर तो नहीं है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है। ऐसे कोई और आई टू मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसका एग्जांपल आप आई टू लिख सकते हो, बी आर टू लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, भी सॉलिड ऐसा हो जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगा। एग्जांपल एचएफ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दूसरा एचएफ मॉलिक्यूल डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पे हमने एक क्लासिफिकेशन खत्म कर लिए, अब हम अपना नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो आप पहले इसको कॉपी करो। तो नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड, ये भी नाम सजेस्ट कर रहा है किसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, आयोनिक सॉलिड है। अब आपको पता है आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सबको पता है। एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं तो NaCl, देखो Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, हाई होगा। ये सारी चीजें आपको पता है। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। और ये भी आपको पता है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब देखो भाई मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट किया, तो इलेक्ट्रिसिटी के दो कारण थे फ्लो करने के, क्या तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ आयंस, यहाँ पे आयन है। और सॉलिड स्टेट में तो पोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स है, तो क्या आयंस की मूवमेंट होगी, नहीं होगी। इसीलिए आयनिक सॉलिड, सॉरी जो आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। बट आप लिख सकते हो बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वाई आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, आप बोलोगे बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयंस, That's why they do not conduct electricity. Next है ये highly soluble है in water, बिक क्यों soluble है? Ions है, positive negative charges है, और water आपका क्या polar nature है, H2O और H2O में oxygen negative और hydrogen positive, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा force of attraction, तो वो water में क्या हो जाएंगे soluble। तो ये कुछ properties थी किससे related, ionic solid से related। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड, देखो इसमें मेटालिक सॉलिड की बात हो रही है, मतलब कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, मेटल होंगे। और आपको पता है मेटल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। एग्जांपल की बात करो भाई आयरन जो सॉलिड है उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप कॉपर ले सकते हो, इन सबके बीच में मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की वजह से। ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वॉट एवर कौन सा आप मेटल ले रहे हो, कितने मेटालिक, कितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है उसके बिहाफ पे। ये अब मेटालिक बॉन्ड भी, मेटल तो क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये मैलिएबल भी हो सकते हैं और डक्टाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, विच कैन कन्वर्ट इंटू थिन शीट, या बिट करो, बिटन करो उनको, पीटो, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, शीट में कन्वर्ट हो जाए। डक्टाइल का मतलब दे कैन ड्रॉन इंटू वायर्स, आप उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटालिक सॉलिड की। फिर नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट जो कोवेलेंट सॉलिड है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा आपका, कोवेलेंट, सॉरी कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जो आपके सिलेबस में है वो डायमंड है एंड ग्रेफाइट, और हमें यही दोनों डिटेल में स्टडी करने हैं, तो मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको डायमंड के बीच में और ग्रेफाइट के बीच में। तो
अरेंजमेंट देखो, अगर आपसे कोई पूछे डायमंड का अरेंजमेंट क्या है, ग्रेफाइट का अरेंजमेंट क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट बेसिकली है क्या, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एक थर्ड भी होती है बकमिंस्टर फिलामेंट, बट हम यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट डिस्कस कर रहे हैं। डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फोर अदर कार्बन एटम, बिक कार्बन की वैलेंस क्या होती है चार। सपोज करो मेरे पास ये कार्बन है, एक कार्बन ईच कार्बन, ठीक है, कनेक्टेड किससे होगा, फोर अदर कार्बन, जो ये है ये अदर फोर कौन से हैं, एक ये, दूसरा, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, इतनी बात समझ में। फिर इसको एक मान लो, फिर ये कितने से कनेक्टेड होगा, अदर फोर से, तो देखो ये इससे कनेक्टेड हो चुका, थ्री और होंगे, वन टू थ्री, इतनी बात समझ में। फिर इसको मान लो एक से कनेक्टेड हो चुका, ये कितने और से कनेक्टेड होगा, थ्री अदर और से, वन टू थ्री और फोर हो गया। ऐसे ये भी किससे कनेक्टेड होगा, वन से, तो ये हो चुका थ्री कार्बन एटम हो रहेंगे, ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ ये सारे क्या है, कार्बन एटम्स। फिर जितने और कार्बन है फर्दर किससे कनेक्टेड होंगे, अदर फोर से, तो देखो इस वाले को कहां से कर दो, एक से तो ये कनेक्ट हो चुका, दिस इज सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ऐसे ही नेटवर्क क्या होगा आपका, चलता रहेगा। तो ये जो थ्री डायमेंशन, ये सारे क्या है, देखो कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, 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 कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या होगी, एसपी थ्री, और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। वहीं पे मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो इसमें क्या, ईच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद थ्री कार्बन है, तब कोई चीज एक कार्बन ऐसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, देखो इस कार्बन को कनेक्ट, देखो ये कार्बन है, कितने से कनेक्टेड हो गए, थ्री अदर से, तो देखो वन टू एंड थ्री हो गया भाई, तीन कार्बन आइटम आ गए, ये रहे वन टू थ्री, ये कार्बन आइटम आ गए। फिर ये क्या होगा, नेक्स्ट थ्री से होगा वन, भाई तीन के बीच में देखो एंगल कितना होता है, 120 डिग्री दिख रहा है, तीन जब कनेक्ट होते हैं तो 120 डिग्री, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, यहां पर कितना होगा 109.5 डिग्री एंगल होगा, और यहाँ पे ये कितना है 120, तीन चीजें स्पेस में 120 तरीके से अरेंज होंगी, और जब ऐसे अरेंजमेंट ये होने लगेगी तो ये कौन से शेप ले लेता है, ये हेक्सागोनल शेप ले लेता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है, दिख रहा है। आप किसी भी कार्बन आइटम को उठा लो, हर एक कार्बन आइटम तीन कार्बन आइटम से कनेक्टेड है, इसको ले लो, सब क्या है, थ्री डायमेंशनल, सॉरी थ्री कार्बन आइटम से ही कनेक्टेड है, मैं इनको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस था जो मैंने रब कर दिया, ये इनका स्ट्रक्चर है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशनल, और ये देखो इसकी एक वैलेंसी क्या है, थ्री है, ये क्या हुआ, ऐसे ही ये क्या बनाता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम 2D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक लेयर इसके ऊपर या नीचे भी होगी, ठीक है, वो जस्ट मैं ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन आइटम है, और ये लेयर कंटिन्यू होगी, स्टॉप नहीं होगी, जैसे ये इधर ऐसे कंटिन्यू होगी, ये इधर कंटिन्यू होगी, ठीक है, और इन दो लेयर्स के बीच में क्या होगा, ये लेयर्स है, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, यहां कार्बन में तीन ही बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन को ले लो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp2 होगी, इतनी बात समझ में आई,
तो देखो पहला पॉइंट हमने देखा था ये तीन बोन से कनेक्ट, चार बोन से कनेक्टेड होता है, वो थ्री बोन से होता है, थ्री अदर कार्बन से, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर देखा, सेकंड पॉइंट स्ट्रक्चर लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें कार्बन sp3 होता है, उसमें कार्बन sp2 होता है, और दो लेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और अब देखो ये जो है डायमंड, ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना हीट कंडक्ट करता, तबकि ये क्या होता है आपका ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है, रीजन क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, इसका रीजन बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन क्या है इसका, फ्री है, ये रीजन है, इसकी वजह से क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, अगर देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक डिस्टेंस ये है, और एक डिस्टेंस क्या है, या ये मानो ये कार्बन, ये कार्बन, ये डिस्टेंस है, इनके बीच में मैं डिस्टेंस एक्स मान ली, लेट अस सपोज, और एक इस लेयर का कार्बन है, और इसके बीच में भी क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दो लेयर्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये मैंने कितनी मानी, डी। अगर मैं मेजर करने जाऊं तो जो डी है वो क्या है, ग्रेटर है देन एक्स, मींस द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज लेस देन द वंडरवाल फोर्स, जो डी डिस्टेंस है, डी बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, जब आप इसमें फोर्स अप्लाई करोगे तो बड़े डिस्टेंस वाला पहले टूटेगा, छोटे डिस्टेंस वाला, बड़े वाला, मीन्स आपने जब फोर्स अप्लाई किया तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, एक लेयर ये, एक लेयर ये डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया ये टूट गया, ये दोनों लेयर एक दूसरे पे क्या हो गई, स्लिप कर गई। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण कि भाई इसमें जो डी डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन होती है एक्स से, एक्स मैंने मेंशन कर दिया कार्बन कार्बन डिस्टेंस है ग्रेफाइट की, ठीक है। तो आप बोलोगे तो इससे क्या होगा, सो दिस लेयर स्लिप्ड ओवर ईच अदर, और इससे क्या होगा, इसके पास ल्यूब्रिकेंट की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, किसकी तरह यूज होता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। सो इसी तो किसी तरह काम करता है, एक तो सॉफ्ट वाइज प्रॉपर्टी के कारण सॉफ्ट एंड ल्यूब्रिकेंट हुआ। आई होप इतनी बातें समझ में आपको आई होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे डायमंड ग्रेफाइट, पहला क्या था, डायमंड चार एटम से कनेक्टेड था, अदर फोर कार्बन एटम से, ये थ्री से। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, टू डी या शीट लाइक स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये क्या है इंसुलेटर है, ये क्या है गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तीन कार्बन से ही कनेक्टेड है, एक वैलेंसी अभी भी फ्री है, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस, तो जब आप फोर्स अप्लाई करो तो ये बोन नहीं टूटेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, ये दो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है, इसी की वजह से ये सॉफ्ट भी है और ये ल्यूब्रिकेंट की तरह काम आता है, आप मशीन्स वगैरह में यूज करते हो। और आप इसका क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आप इसको ज्वेलरी वगैरह में यूज करते हो, ठीक है। हाई रिफ्रैक्टिव, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण इसको आप किसमें यूज करते हो, ग्लास कटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डायमंड एंड ग्रेफाइट के, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछे जाते, तो आप इनको कॉपी करो और लर्न करो। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।